Hello students, today we start our chapter crop production and management. Clear? Crop production और management को हम बिल्कुल starting से start करते हैं अपने chapter को. Crop production and management. First of all, ये किस category के अंदर आता है? ठीक है? हम discuss करेंगे ये किस category के अंदर आता है, तो ये आता है आपका agriculture के अंदर. अब agriculture क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की, या फिर आप बोल सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप से, क्रॉप को कैसे कल्टीवेट करना है, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को कैसे रियर करना है, कैसे पालना है जानवरों को. क्लियर? तो वो किस में आती है? एग्रीकल्चर में. अगर जनरली बात की जाए, जो हम आमतौर पर बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है, द आर्ट और प्रैक्टिसिंग ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप, कि ये आर्ट है, ये वो कला है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कल्टिवेटिंग की. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस लिख सकते हो, फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी साइंस का ही पार्ट है आपका बायोलॉजी. क्लियर? बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, तो ये वो ब्रांच है साइंस की जो बायोलॉजी के अंडर आती है, विच डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. क्लियर? तो क्या है ये? वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, की क्रॉप को कैसे कल्टिवेट करना है, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को कैसे रियर करना है. क्लियर? अब हम बात करें जनरली हम क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर को, जनरली और क्या लिख सकते हो आप इजी लैंग्वेज में, जनरली मतलब जो हम आमतौर पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरली? द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड is referred as agriculture. Clear? The art or practice of cultivating land, जो भूमि है उसकी जुताई करना, ठीक है, उस कला को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, खेती बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं. ओके, तो आपने फर्स्ट जाना, ये जर्नल सी बात थी, कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है. तो ये आता है आपका एग्रीकल्चर के अंडर. एग्रीकल्चर क्या है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है कि कल्टीवेट कैसे करना है आपको, ठीक है, क्रॉप को या फिर लैंड को, और रियरिंग कैसे करनी है, एनिमल्स को कैसे पालना है. अगर सिंपल आप राइट डाउन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड is referred as agriculture. Clear? अब now हम chapter के name पे जाते हैं. हमारा chapter है crop production and management. तो first हम discuss करेंगे what is crop, या फिर define crop. Clear? तो हम discuss करते हैं define crop. क्रॉप क्या है? देखो, आप सबने देखा होगा प्लांट्स को ग्रो करते हुए, अगर आप एक बहुत बड़े एरिया में सेम टाइप के प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक सेम प्लेस पे सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है आपकी क्रॉप, उसको बोलते हैं फसल. ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल. व्हेन plants of same kind
are grown and cultivated at one place on large scale. आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही प्लेस पे ग्रो कर रहे हो, उनको फिर कल्टीवेट कर रहे हो, उगा रहे हो, फिर उनकी कटाई भी कर रहे हो, तो क्या है आपकी क्रॉप. क्लियर. When plants of same kind are grown and cultivated at one place on large scale, आपको मेंशन करनी है कि वो सारे प्लांट सेम काइंड के होने चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेस पे होने चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए, लार्ज स्केल या फिर लार्ज अमाउंट. क्लियर. बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो. क्लियर. तो क्रॉप क्या है, जब एक ही टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं एक प्लेस पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. अब जो क्रॉप है उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. हम डिस्कस करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. सीजन के बेसिस पे उनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. हमने जनरली दो पढ़ी थी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. ये तो आप सुन चुके हैं, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप्स, बहुत टाइम हो चुका है. क्लियर. आज हम एक न्यू और डिस्कस करेंगे आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जेड क्रॉप्स. क्लियर. तो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपके लेवल पे अभी. तो फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकेंड इज रबी क्रॉप एंड थर्ड इज जेड क्रॉप्स. ये आपके लिए न्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, जेड क्रॉप्स. क्लियर. ओके. तो थ्री कैटेगरीज हो गई आपकी जो सीजन के बेसिस पे जिनमें डिवाइड किया गया है. ओके. अगर आपको खरीफ क्रॉप लर्न करना है किस सीजन में है, तो उसके लिए आप करेंगे के आर, के फॉर खरीफ, आर फॉर रेनी. क्लियर. रबी के लिए करेंगे आर डब्ल्यू, रबी एंड विंटर सीजन. क्लियर. अच्छा, एक चीज करते हैं, अभी एक सीक्वेंस बन जाएगी. मैं रबी को यहाँ से रिमूव करके, अभी के लिए यहाँ से रब करके यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ. यहाँ पे कर रहे हैं जेड क्रॉप्स को और यहाँ पे कर रहे हैं रबी क्रॉप को. अभी आपको पता चल जाएगा रीज़न क्या है. ओके. तो यहाँ पे है जेड एस, समर. क्लियर. और रबी के लिए है आर डब्ल्यू, दैट्स मीन रबी एंड विंटर. क्लियर. ओके. ओके. अब डिस्कस करते हैं हम कैसे हैं. खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो शोन करते हैं हम या फिर ग्रो करते हैं जिनको किस सीजन में, रेनी सीजन में. ओके. और जेड क्रॉप को समर सीजन में शोन करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, और रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में. तो राइट डाउन करते हैं, फर्स्ट खरीफ क्रॉप, क्रॉप्स विच आर शोन, मतलब बोई जाती हैं या फिर आप लिख सकते हो ग्रोन, इन रेनी सीजन. क्लियर. रेनी सीजन सैड क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर शोन इन समर सीजन. क्लियर. रबी क्रॉप, क्रॉप्स
which are shown in winter season. ये तो बहुत इजी था, आपको आता भी होगा पहले से, ठीक है। तो सिंपल है अभी तो हमारा कि खरीफ क्रॉप्स वो हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जेड क्रॉप्स वो हैं जो समर सीजन में करते हैं, रबी क्रॉप्स वो हैं जो विंटर सीजन में हम ग्रो करते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो रेनी सीजन है वो इंडिया में कब तक होता है, कब तक होता है, जून टू सेप्टेम्बर। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जून टू सेप्टेम्बर होता है, यहाँ पे जुलाई टू नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कभी लोग क्रॉप्स को जल्दी ग्रो करते हैं, कभी थोड़ा लेट करते हैं, तो जून से जुलाई भी हो सकता है। समर सीजन कब होता है आपका, मार्च टू मई, क्लियर। और जो आपका विंटर सीजन है वो कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। देखिए कैसा हुआ आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मार्च टू मई। मार्च टू मई आपने समर सीजन में जेड क्रॉप्स ग्रो करी, मई के बाद आपने जून में, मई के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आते हैं, जून, जून टू सेप्टेम्बर आपने खरीफ क्रॉप्स ग्रो करी, और सेप्टेम्बर के बाद क्या है था आपका अक्टूबर, अक्टूबर टू मार्च आपने रबी क्रॉप्स ग्रो करी, डन, क्लियर। तो समर सीजन कब है आपका, जून टू सेप्टेम्बर, सॉरी समर सीजन कब है आपका, मार्च टू मई। रेनी सीजन कब है, जून टू सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर टू मार्च जो बच गया वो आपका क्या है, विंटर सीजन। अब एक एक एग्जांपल याद कर लेते हैं अभी के लिए। रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं राइस, या फिर आप लिख सकते हो पैडी, धान और चावल जिनको बोला जाता है। जेड क्रॉप्स में है आपकी जो आप वाटरमेलन खाते हैं, अभी आपने लास्ट मंथ में वाटरमेलन खाए होंगे, तरबूज वो, और यहाँ पे कर लेते हैं वीट जो आपका गेहूँ होता है, जिसके आप चपाती बनाते हैं, गेहूँ का जो आटा होता है, ठीक है। ये था, अब हम एक ट्रिक लर्न करेंगे जिससे आप बहुत सारी खरीफ क्रॉप्स को लर्न कर सकते हो, बहुत सारी जेड क्रॉप्स को और रबी क्रॉप्स को वन बाय वन, ओके। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर क्या था, ओके, फॉर द क्रॉप, देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन में हमने एक न्यू क्रॉप स्टडी की, जेड क्रॉप्स इज विच आर शोन इन समर सीजन, जिसके लिए हमें जेड एस याद करना है, ओके, के आर, आर डब्ल्यू एंड जेड एस। खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में करते हैं, रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में करते हैं, और समर सीजन में कौन से करते हैं, जेड क्रॉप्स को। अब हम वो ट्रिक लर्न करते हैं जिससे हम बहुत सारी खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल लर्न कर सकते हैं। ओके, इससे हम बहुत सारे अपने खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल लर्न कर पाएंगे। तो आपकी फर्स्ट है ट्रिक टू लर्न खरीफ क्रॉप्स। अगर आपसे वो फोर ऑप्शन देके क्रॉप पूछ लेगा तो जनरली वो आपसे यही क्रॉप्स पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक राइम याद करनी है, एक लाइन याद करनी है, सोनू रो मत चल बाहर घूमने। अब जैसे छोटे बच्चे रोते हैं वो किस लिए रोते हैं, कि उनको बाहर घुमा के लाओ, ठीक है। तो आपको याद करना है सोनू, या फिर एस से जिसका भी नेम आपको अच्छा लगे आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रख लेते हैं जो राइम है आपकी, ये आपकी लर्निंग के लिए, इसका कोई वो नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में राइट डाउन करनी है, ऐसा नहीं है, ये ट्रिक है सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए, ओके। तो आप एस से जिसका नाम आपको अच्छा लगे उसका लिख सकते हैं, सोनू रो मत चल बाहर घूमने, क्लियर। अब यहां से इनके फर्स्ट लेटर से हम अपनी क्रॉप को लर्न करेंगे, ओके। तो क्या है, सोनू रो मत चल बाहर घूमने, ओके। तो ये आपको लर्न करनी है, एस से आप
जिसका चाहे स्वीटी सोनू व्हाटएवर जो भी नेम आप चाहें उसका नेम ले सकते हैं, सिर्फ नेम होना चाहिए इससे। सोनू रो मत चल बाहर घूमने, टू टाइम्स इसको रिपीट कीजिए अपने माइंड में, सोनू रो मत चल बाहर घूमने, वन टाइम और कीजिए। ओके, तो सोनू से क्या है आपका, सोनू से है आपका सोयाबीन, एस से क्या है सोयाबीन, सोयाबीन सबको पता है क्या होता है, आर से है आपका राइस, राइस को पैडी भी लिख सकते हैं आप, एम से है आपका मेज, सी से है आपका कॉटन, बी से है बाजरा और जी से है ग्राउंडनट। क्लियर? तो क्या हुआ, सोनू रो मत चल बाहर घूमने, तो सोनू के एस से है सोयाबीन, आर से है राइस, एम से है मेज, सी से कॉटन, बी से बाजरा और जी से ग्राउंडनट। आपको सबका पता है, सब आकलन कर चुके, ग्राउंडनट आपकी मूंगफली होती है, इसको पीनट भी बोलते हैं। ओके, कि मूंगफली है, बाजरा है, कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं, मेज है आपकी मक्का है, चावल है और सोयाबीन है। तो ये किसके लिए है, खरीफ क्रॉप के लिए, ये सारी की सारी जो भी हैं आपकी सोयाबीन राइस, ओके मेज ग्राउंडनट कॉटन, वो सब क्या है आपकी खरीफ क्रॉप्स। डन, तो खरीफ क्रॉप को आप इस तरह लर्न कर सकते हैं। देखो आपने कितने सारे एग्जाम्पल कर लिए, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल लर्न है। अगर आपको ऑप्शन में वो 4 क्रॉप्स देता है और आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता है कि खरीफ क्रॉप बताओ, तो मेनली वो यही होंगी। ठीक है, मोस्टली जो मेन जो है वो ये हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। डन, अब नेक्स्ट करते हैं हम रबी क्रॉप्स के लिए एग्जाम्पल, कैसे करना है। ओके, तो ये क्या था, सोनू रो मत चल बाहर घूमने, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इसकी राइट डाउन करके देखना है और लर्न भी करना है। अब कर लेते हैं रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब रबी क्रॉप के लिए है कि हम उसको बाहर घूमने ले गए, हमने सोनू को बाहर घूमने ले गए हम सोनू को, तो सोनू ने बाहर जाके क्या किया, वो बाहर से बहुत सारी चीज़ें लेके आया। ठीक है, वो बाहर से क्या क्या लेके आया, वो बाहर से लाया टेस्टी, टेस्टी नमकीन का नेम है, टेस्टी लाया, ठीक है, पेप्सी लाया और मैगी लाया। ओके, पहले सोनू रो रहा था, ठीक है, हमने कहा सोनू रो मत चल बाहर घूमने, वो बाहर से क्या क्या लेके आया वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो वो बाहर से टेस्टी टेस्टी लाया, पेप्सी, या फिर आप लिख सकते हैं वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। ठीक है, वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। ठीक है, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं बाहर जाने की, तो वो किस लिए करते हैं, ताकि वो शॉप पे जाएं और बहुत सारी चीज़ें लेके आएं। ओके, तो वो बाहर से क्या क्या लाया है आपको लर्न करना है, वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। क्लियर? तो क्या क्या लाया बाहर से, वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं इनके फर्स्ट लेटर से हमारी कौन कौन सी क्रॉप बननी है। वीट, डब्ल्यू से वीट हो गई, बी से बार्ले हो गई, ठीक है, एस से हमने पहले सोयाबीन किया है, वहां पे सोनू था जिसका सोयाबीन था, यहाँ पे है आपका शुगर केन, जो गन्ना होता है आपका शुगर केन, टेस्टी से आपके टमाटो, पेप्सी से आपके हैं पी जो मटर होती है आपकी, और से ओट्स, वहां पे था आपका
रो मत सोनू, मत जो था एम, वहां से उस मेज था, यहाँ पे है आपका मस्टर्ड, जो सरसों होती है, मस्टर्ड, और लाया से है आपके लिंसेड। क्लियर? तो फिर से करते हैं कि हमारा सोनू बाहर गया था, तो बाहर से सोनू क्या क्या लाया? वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। क्या क्या लाया? टेस्टी पेप्सी और मैगी। W फॉर व्हीट, B फॉर बार्ले, S फॉर शुगर केन, T फॉर टमाटो, P फॉर पी, O फॉर ओट्स, M फॉर मस्टर्ड, L फॉर लिंसेड। क्लियर? तो व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूं जो आप खाते हैं। बार्ले होती है आपकी जो, जैसे जो क्या होती है, देखो जब भी नवरात्रि आते हैं तो आपने देखा होगा एक मतलब आपकी मड का एक बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन में आपके जो उगाए जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो 9 डेज में इतने इतने ग्रो कर जाते हैं, देखा होगा आप घर पे देख भी सकते हैं, मम्मी से पूछ सकते हैं, मम्मी जो दिखाना, एक कवरअप होते हैं सीड से, उनको डालते हैं। अब नवरात्रि जब आएंगे आपके, ठीक है, तब आप देखिएगा जो उगाए जाते हैं छोटे से बर्तन में और रेत के अंदर, जो सैंड होती है उसके अंदर, फिर उसको कवर कर देते हैं और 9 डेज में आपके वो ग्रो भी करते हैं। कई प्लेसेस पे जब दशहरा आता है तो उनको अपने जो भाई वगैरह होते हैं, ब्रदर वगैरह, उनके यहाँ ईयर्स पे रखते हैं, गर्ल्स रखती हैं ऐसे, ठीक है। तो वो क्या है आपके जो। एस फॉर शुगर केन, शुगर केन क्या होता है? गन्ना। टी फॉर टमाटो, आपको पता है टमाटर। पी फॉर पी, पी फॉर मटर। ओ फॉर ओट्स, ओट्स आपकी जई होती है। एम फॉर मस्टर्ड, मस्टर्ड क्या होता है? सरसों। L फॉर लिंसेड, लिंसेड होते हैं अलसी, ये भी ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं आपके। तो ये सब क्या है आपकी? रबी क्रॉप्स। ओके, तो हमारे खरीफ क्रॉप के लिए ट्रिक थी कि रो मत सोनू, रो मत, चल बाहर घूमने, ठीक है। अब घर आके बता रहे हैं कि वो बाहर से क्या क्या लेके आया। वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। क्लियर? तो वो क्या क्या लेके आए? टेस्टी पेप्सी और मैगी, वो आपको लर्न करने हैं। तो देखिए अब आपने कितनी सारी कर ली हैं अपनी रबी क्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रबी क्रॉप्स लर्न कर चुके हैं। एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट आप दो कोई भी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स सबसे डिफरेंट है इनमें, दोनों में से कोई भी नहीं है उनका। जैसे हमने सोनू की बात की कि सोनू रो रहा था, हमने रोने के लिए उसे बाहर ले गए और बाहर से वो बहुत सारी चीज़ें लेके आया, वो आपको लर्न करनी है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं जेड क्रॉप्स के लिए, इनके लिए डिफरेंट है। ओके, इनके लिए क्या है? ये जेड क्रॉप्स कौन से सीज़न में ग्रो करती हैं? समर सीज़न में। समर सीज़न मार्च टू मई, तो वहां पे आपको करना है, इसके लिए राइम है पुष्पा, आप पी से किसी का भी नाम राइट डाउन कर सकते हैं, पुष्पा प्लीज वॉच सीएम, पुष्पा प्लीज सीएम को देखो, वॉच का मतलब देखना, ठीक है, पुष्पा प्लीज वॉच सीएम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी ट्रिक लर्न हो वो कर सकते हैं। तो पुष्पा, पी यू लेंगे हम, यहाँ पे होगा पल्सेस, जो भी आपकी दालें होती हैं, और पी से है पम्पकिन, जो आपका कद्दू होता है, पम्पकिन। डब्ल्यू से है आपका वाटरमेलन, क्लियर। सी से है कुकुम्बर, जो आपका खीरा होता है। एम से है मस्क मेलन, जो आपका खरबूजा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप समर सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं? तरबूज, मतलब पहले क्या दाल करते हैं, दालें होंगी आपकी कद्दू, तरबूज, खीरा और खरबूजा। तो ये क्या है? पुष्पा प्लीज वॉच सीएम, कि पुष्पा प्लीज सीएम को देखो। ओके, तो ये सब आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? जेड क्रॉप्स के। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपको बहुत सारे लर्न हो जाएंगे।
से खरीफ क्रॉप का क्या था? सोनू, रो मत चल बाहर घूमने। और रबी क्रॉप्स के लिए वो बाहर से टेस्टी पेप्सी और मैगी लाया। इसके लिए क्या है? पुष्पा प्लीज वॉच सीएम। आप यहाँ पे किसी का भी नेम लर्न कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्रॉप लर्न होनी चाहिए। पल्सेस, पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड मस्टमेलन। ओके, तो ये थे आपके 3 क्रॉप्स और उनकी हमने ट्रिक लर्न की कि किस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं और हम पजल भी ना हो। ओके, इसके बाद जो मेन है इस चैप्टर में वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? ये वो स्टेप्स हैं जो फार्मर फॉलो करते हैं, ठीक है, किसके लिए? फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप को उगाने के लिए जो भी स्टेप्स फार्मर फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर एक्टिविटीज लिख सकते हो, ऑल द एक्टिविटीज डेट आर परफॉर्म और फॉलो बाय फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो भी एक्टिविटीज़ फार्मर फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो फार्मर्स हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं और वो भी कैसे करते हैं? उनको सीक्वेंस में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि एक स्किप करके आप दूसरे पर चले जाएंगे, तो कैसे करते हैं? सीक्वेंस में करते हैं, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो आपकी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। ओके, और कैसे लर्न करनी है? सीक्वेंस में ही लर्न करनी है आपके। तो फर्स्ट होती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकंड है आपकी सोइंग जिसमें आप बोते हैं, थर्ड है आपकी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, फोर्थ है आपकी इरिगेशन जिसमें आप वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप को, फिफ्थ है आपकी रिमूविंग वेट्स जिसमें आपके जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको आप रिमूव करते हैं, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, फिर आप कटाई करते हैं आपकी क्रॉप की जब वो मैच्योर हो जाती है, एंड सेवन्थ इज स्टोरेज और फिर उसको स्टोर करते हैं। ओके, तो ये 7 स्टेप्स हैं और ये 7 के 7 आपको सीक्वेंस में ही लर्न करते हैं, कोई स्किप नहीं करना है, एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सोयल, जिसमें आप अपनी सोयल को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? सोइंग, उसमें बीज बोते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, इरिगेशन करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे वाटर, रिमूविंग वेड्स, वेड्स को रिमूव करेंगे, हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज। ओके, ये 7 स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूविंग वेड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी ट्रिक लर्न करनी है जो हमने पढ़ी थी, जैसे कि रेनी, अगर आपकी रबी क्रॉप्स हैं तो उसके लिए क्या है? RW, खरीफ क्रॉप्स हैं तो KR, Z क्रॉप्स हैं तो ZS, और फर्दर हमने उनके लिए भी ट्रिक लर्न की कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल लर्न कर सके। और उसके बाद आपको ये 7 स्टेप्स लर्न करने हैं, ये आपका बेसिक है चैप्टर का। उसके बाद हम 1 by 1 स्टडी करेंगे अपने सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। ओके, टिल देन आपको लर्न करना है अच्छे से।